पश्चिम यूपी में पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ताजा मामला बागपत का है, जहां गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना सिंघावली अहिर क्षेत्र में पुलिस को गौ तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तेड़ा गांव के जंगलों में होंडा सिटी सवार 3 तस्करों को घेर लिया। खुद को घिरा देख तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए गन्ने के खेतों में भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। 5:30 बजे के करीब जो है सूचना मिली थी कि लोधपुरा के आसपास कहीं जो है गौ तस्कर घूम रहे हैं। उस सूचना पे हमारी सिंघावली पुलिस वहाँ पहुँची और घटनास्थल जहाँ का घटनास्थल है वहाँ देखा तो वहाँ कुछ अवशेष पड़े हुए थे गाय के, उसको देख करके ये भागे वहाँ से भर करके, जिसने पुलिस ने पीछा किया और पीछा करने के बाद यहाँ जो टेढ़ा नहर है ये नहर के किनारे जो है ये घेर लिए गए और इसमें जो है 2 बदमाश भाग गए नीचे उतर कर और 3 जो है उन मौके पर पकड़े गए और उन्हें गोली चलाई। गोली में जो है पुलिस बाल बाल बची और इनको जो है 2 बदमाशों को गोली लगी है, 2 तस्करों को, जिनको 3 को अरेस्ट कर लिया गया है, 2 फरार हो गए हैं और उसके बाद हमारी कॉम्बिंग जारी है। अभी उनकी 2 की तलाश की जा रही है। ये पता चला है कि ये इधर से गोकसी करने के बाद मेरठ और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। बहुत ये गैंग है, पूरा 5 लोगों का गैंग था जिसमें से 2 फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार गौ तस्करों के पास से मांस से भरी एक होंडा सिटी कार के साथ 1 देसी बंदूक और 2 देसी पिस्तल बरामद की है। 3 गौवंश तस्कर सिंघावली थाना क्षेत्र के ही गौसपुर गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस फरार 2 तस्करों की तलाश कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।